नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सेमेस्टर टू अभी जो आप लोग का एग्जाम हुआ एनवायरमेंटल साइंस का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसा था और आने वाला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो देख सकते हैं आज का क्वेश्चन सेट सी था, एनवायरमेंटल साइंस 2022 न्यू। आपको समय 2 घंटा का समय दिया गया था और टोटल आपका एग्जाम 40 मार्क्स का हुआ था। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या था। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना कंपलसरी है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 2 टाइप ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और बी में शॉर्ट टाइप के। तो चलिए देखते हैं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आपको 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिनमें से पहला आपसे प्रश्न, इनमें कौन सा पारितंत्र का अजैविक उपघटक है। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका प्लैंकटन, ऑप्शन नंबर सी आपका टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी है पौधे। तो आपका यहाँ पे अजैविक कारक को पहचानना है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज अबाउट, यानी भारत की कितनी प्रतिशत भूमि वन है। तो 24% कुछ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 है, 19 है, 25 है, तो लगभग 25% वन भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन और धातु खनिज है। तो जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे अनवीकरणीय स्रोत होगा। और नवीकरणीय में जैसे आपका जिसका भंडार असीमित है, जिसे सौर ऊर्जा पन ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत में होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि ओजोन डे बनाया जाता है, तो यानी कि ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, तो सभी को पता होगा 16 सितंबर, ये प्रश्न आ ही गया। नेक्स्ट प्रश्न है शॉर्ट टाइप के प्रश्न, 2-2 नंबर का 50 वर्ड में लिखना रहता है, जिनमें से निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। क्वेश्चन नंबर ये आपका चिपको आंदोलन और घास स्थल पारितंत्र। तो देखा जाए तो यहाँ आपका प्रश्न रिपीट हो रहा है, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग के कल के शिफ्ट में पूछा गया था चिपको आंदोलन को लेकर, तो कहीं नहीं कि आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पूछा गया था ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये भी रिपीट हुआ है, ये कल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। अब लॉन्ग टाइम के प्रश्न देखने वाले, 8 नंबर का है आपका प्रश्न, है डिस्क्राइब द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के दायरे में महत्व का वर्णन करें। इसके बारे में हमने कल ही कुछ क्वेश्चन अपलोड किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पर्यावरण अध्ययन के दायरे में महत्व के वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के ऊर्जा प्रवाह मॉडुलस का वर्णन करें। 2 नंबर का आपका डिफिनेशन देना है पारितंत्र का, और पारितंत्र के ऊर्जा प्रवाह के बारे में वर्णन करना है 6 नंबर। टोटल मिलाकर 8 नंबर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया, शायद फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि वनों के कटाव के क्या कारण है, वन एवं जैव विविधता पर खनन के प्रभावों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि भारत के जैव भौगोलिक प्रक्षेपों के विशिष्ट गुणों का वर्णन करें तथा हमारे देश की हॉटस्पॉट जैव विविधता की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था कि वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है, यानी कि प्रदूषण से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, इसलिए आप प्रदूषण को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पिछले बार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी पूछा गया, तो फिर से वायु प्रदूषण को यहाँ पे पूछ लिया गया। और नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर SO2X के मनुष्य तथा पौधे पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि मॉन्ट्रियल एवं क्वांटो प्रोटोकॉल के लक्ष्य एवं उद्देश्य का वर्णन करें। तो यहाँ सबका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वन जीव अभ्यारण पूछा जा सकता है या पर्यावरण अधिनियम एक्ट के बारे में, इसलिए आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन करें, यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे शॉर्ट टाइप के प्रश्न, अगर क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ 4 क्वेश्चन और 4 में से आपको 2 प्रश्न सॉल्व करना है, जिनमें से आपको 4 नंबर का लिखना है, जिनमें से ऑप्शन नंबर ए है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया नवीकरणीय एनर्जी सोर्सेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। शायद आप ये क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में कल में पूछ लिया गया था, तो ये बहुत से प्रश्न जो आपका रिपीटेड है। तीसरा प्रश्न है इन सीटू संरक्षण के बारे में आपको लिखना था, और चौथा है आपका वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये में है पर्यावरण नीति, तो देखा जाए तो आपका प्रश्न अब रिपीटेड होने लगा है, तो शायद नेक्स्ट बार जो एग्जाम होने वाला है शायद आपका प्रश्न रिपीटेड हो सकता है, इसलिए पिछले
में जितने भी क्वेश्चन आए उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आपके जितने भी एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है उन सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो थैंक यू गाइस।